राम मुस्तफा बाबर साहब अहमद अच्छे काम है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा तारिक नजीर साहब कि वो सामने स्टेज पर आ जाए। अगर आप तालियां बजाएं तो आपके थोड़ा सा हम इतना हसास और इस तरह के चेहरे हमें, क्योंकि हम खुशी के इस लम्हे में, अभी उनसे जाके पूछूं ना कि आपकी उम्र कितनी है तो वो कहेंगे हम जवान हो गए। तो आज हुर्रियत ये समझेंगे हम कि हुर्रियत फिर से जवान है,
आज भी हुर्रियत उसी तरह जिस तरह पहला दिन बना होगा उसी तरह आज भी हुर्रियत इसी तरह हमारे लिए जो है। तो खास तौर पर मैं हमारे टेलीविजन आर्टिस्ट भी हैं, मैं नाम लेना जो है मेरे पास नाम नहीं है, मैं उनका नहायत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने जो है अपनी आमद को यकीनी बनाया। कुछ ड्रामा आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा हबुकला हजरात हैं, उनका भी नहायत शुक्रगुजार है। इसी तरह से मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा और मेरी दरख्वास्त है हमारे जो है वो सिटी प्रेस क्लब के सदर हैं और ये पूरा प्रोग्राम जो देख रहे हैं आप उनकी सबकी जितने भी इदारे के मुंसलिक लोग होते हैं उन सबकी मेहनत से और ख़ास तौर पर एमए खान साहब जो हमारे जो है सिटी प्रेस क्लब के जो है हमारे बानी के बाद जो एक अहदा होता है वो उसी का होता है जिसने सारा निज़ाम को देखना होता है। तो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में एमए खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तारीफ़ी कलिमात जो है वो ज़रूर बयान करें। स्टेज पे बैठे हुए जनाब राजा वही साहब, हमारे चेयरमैन असद खान सईद साहब के आज वर्किंग डेज के अंदर भी उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे सिटी प्रेस क्लब कराची हुर्रियत की अवार्ड सेरेमनी में तशरीफ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हुर्रियत कराची के अंदर एक बहुत तवील और जाना पहचाना नाम जिसके नाम से आज हम पहचाने जाते हैं और आज माशाल्लाह टेलीविज़न पे कई ऐसे एंकर हैं जो नामी गिरामी हैं वो हुर्रियत से ही निकल के गए हैं। तो उनको कोशिश थी हमारी कि इनवाइट कर सके लेकिन उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से वो भी ना आ सके। बहरहाल आपको आए हुए तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और हम चाहेंगे कि रोशनी रोशनी में जल्दी से अपना काम को वाइंड अप कर दें, बहुत सारे टाइमिंग है कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम दोस्तों को एमए खान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद याद दिलाएंगे। थैंक यू। पुराने दौर के जो तारीख में रकम जो हमारे ऐसे काम होते हैं उसमें हुर्रियत भी एक नाम है, तो आप जोरदार तालियां बजाएं हुर्रियत के लिए। और खास तौर पर बताता चलूं, हुर्रियत जो है सबसे पहले फखरे मातिर, उसके बाद फरत अब्बास, उसके बाद जो है सैयद रिजवी साहब जो अब इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं और उसके बाद जो अभी हमारे जो जो मेहमान आने वाले हैं या वो रस्ते में हैं वो दूर हैं अभी। और खास तौर पर अभी आपको बताता चलूं, ये 25 साल जिन्होंने असद सईद खान को जो नाम से भी जानते हैं और बाय फेस भी जानते हैं, इन 25 सालों में जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक बच्चे की परवरिश करना, कि जो बच्चा जो है बिल्कुल नाबालिग हो जाता है, जो अपनी मदद आपके तहत कोशिश करता है करने की, लेकिन हुर्रियत जो है उसको सारों ने जब छोड़ दिया था तो असद सईद खान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज हुर्रियत आपके टेबल पे पड़ा है, आज आपके सामने पड़ा है और ये लोग भी आप देख रहे हैं सामने है बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, हम क्योंकि अवार्ड सेरेमनी है हम अवार्ड से जो है नवाजेंगे, तो जरूर है एक छोटा सा ट्रैक आपको सुनाएंगे, उसके बाद टोटली जो है वो सारे जो है हमारे हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ी आवाज तेज करें।
हम इसी तरह से खासतौर पर आपको बताता चलूं अभी जो हमारे आज के गेस्ट हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे सब सरपरस्ते आला हैं, उनके बारे में बताता चलूं क्योंकि अभी मैं जरूर उन्हें स्टेज पे बुलाने वाला हूं और हम अपनी तकरीब का आगाज करेंगे। जो अवार्ड सेरेमनी है, जैसे जैसे मैं नाम अनाउंस करता रहूंगा उसी तरह से वो शख्स आता रहे और अपना अवार्ड जो है हासिल करे। और मैं बात करूंगा राजा वहीद साहब की। राजा वहीद साहब वो हमारे इन इदारों की सरपरस्ती करते रहे और जब वो इस्लामाबाद वापस गए तो चार दिन पहले, मेरा ख्याल है, मैंने पूछा नहीं है लेकिन मैं चार दिन ही कह सकता हूँ, चार या तीन दिन पहले जो है उन्हें एक मैसेज जाता है हमारे ग्रुप से कि हम यहाँ 60 साल तकरीब का जो है इनकाद कर रहे हैं, हमारे जो बानी हैं और फिर जब हमारे सरपरस्त हैं तो हमारे असद सईद खान साहब जब एक मैसेज चलाते हैं तो चार दिन पहले जब उनको मैसेज जाता है और फिर ये इवेंट का जो है एहतमाम किया जाता है तो राजा वहीद साहब की मोहब्बत, उनका प्यार और उनकी ये शफकत इस बात की दलील है कि वो आज हमारे दरमियान है। तो जोरदार तालियां बजाएं राजा वहीद साहब के लिए। ये चेयरमैन है गेवारा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी इंसाफ तहरीक ट्रेडर विंग के जो है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के ये जो है जो चेयरमैन है और पीटीआई से जो पीटीआई के लोग बैठे होंगे उन्हें पता है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो बड़े बड़े नाम है उनमें राजा वहीद साहब का भी एक बहुत बड़ा नाम है और उनके साथ जो है अकबर खान न्याजी साहब हैं, उनका भी नहायत शुक्रगुजार हैं। हमीद करीम ऐवान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इसके बाद जो है ऐवान तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी नहायत शुक्रगुजार करते हैं। और ख़ास तौर पर फिर जो जितने भी आप लोग आए हैं हम अपने इदारे की तरफ से आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। 20 अभी अगर 20 लोग आते हैं तो उसके बाद फिर आपकी थोड़ी सी हम जो है तवज्जो चाहेंगे। तो मेरे जो साथी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जिनका मैं नाम लूं बगैर देर किए हुए वो मुझ तक पहुंचा दें या वहां तक पहुंचाएं। बल्कि मेरी दरख्वास्त है जिशान वाज साहब से कि वो सामने आए। पीआरओ है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, एसएसपी कोरंगी। अच्छा, तालियां बजाते काम कर सके। इसके बाद अरशद बरोही साहब भी बिल्कुल तैयार रहे। उसके बाद अरशद बरोही
उसके बाद शहजाद, मेरे पास जो जो नाम आए हैं मैं लेता रहूं, उनसे मेरी गुजारिश है वो सामने आते रहे। शकील अहमद राजपूत, शकील अहमद राजपूत टंडो आदम से आए, इनके नहायत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद जो है बिल्कुल तैयार रहे साद असद खान। तो साद के बारे में बताता चलूंगा, नहीं मुझे कुछ एक मिनट मुझे भूल जाएगा ना। अच्छा जी, साद असद खान के बारे में बताता चलूं, एक छोटा सा हमारा भाई, छोटा सा असद भाई का बरखुरदार। ये जो चीजें देख रहे हैं ना, मैं क्योंकि ये बताना चाहता हूं ना, स्टेज पे खड़ा हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कोई चीज छोड़ ना दूं ना मेरे जो दिल में। तो असद साहब एक दौर में, जब मुझे 15 साल जब मैं कहता हूं ना, तो ये मोहताज करते हैं ये लोग, ये जो प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, ये डिजाइनिंग करके दे रहे होते हैं इदारे को, तो ये इदारे को मोहताज करते हैं। तो आज जो है साद असद सईद खान ने कभी भी किसी भी चीज के लिए उनको परेशान नहीं होने दिया, जबकि वो छोटा सा है, उम्र छोटी सी है, लेकिन हमारे सारे काम जो है वो जैसे ही यहां से एक पोस्ट जाती है, और बहुत अच्छा जो है डिजाइनर है, तो उसका अवार्ड है तो वो असद साहब खुद लेंगे आपसे। उसके बाद आमिर शमीम, आमिर शमीम के बाद एएसआई बिलाल, मिस्टर रियाज अबड़ो, अगर वो हैं तो जल्दी से आते रहे। आफताब राजपूत, तैमूर रहमान, मैं शुक्रगुजार हूँ असद भाई का, उन्होंने मौका दिया है बात करने का। आज हुर्रियत की 60वीं सालगिरह है, और इसका हुर्रियत अखबार का एक नाम है, एक बहुत बड़ा अखबार है। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इसको और तरक्कियाँ दे, नवाजे, और असद भाई है और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे, कि ये इस तरह ही इसका कारोबार जो है वो जारी रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ असलम भाई का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्कियाँ दे और कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम। ये अवार्ड से जो है वो जरूर इनको नवाजे, और फिर ये वहाँ जाकर स्टेज पे जरूर आपसे जो है वो कुछ बात करना चाहेंगे। हमेशा टाइम और टाइम रहे, और मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा, मैंने कहीं पे टाइम नहीं दिया हुआ था और मुझे वहाँ पे पहुँचना है, इस वजह से इस प्रोग्राम को मैं दरमियान में छोड़कर जा रहा हूँ। ये एथिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा उसने डिजिटल मीडिया को जो एक मखसूस माफिया ऑपरेट कर रही थी, उनके उस बिजनेस को बंद किया है। नौजवान आगे आकर इस कौम की, इन गरीबों की, इन सदा देने वाले लोगों की जो आवाज बन रही है सोशल मीडिया पर, मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ दिल की गहराइयों में, कि हम के हामी अखलाक की दीवार फलांगा नहीं करते, लेकिन हक आजादी सितम कैश के हाथों हम
छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। तालियां बजा सकते हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए। गुलाम मुस्तफा रावत साहब, हमारे मेहमानों का और हमारे सहाबी मुखला और दीगर का वो शिदाई था जब मैं सहाबत नहीं था तो स्टाल पे जाके पहले हुरियत पढ़ने के लिए मांगता था। आज मैं उसी इदारे के 60 साल तकरीब में खड़ा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई एजाज नहीं है। कोई मैंने सोचा भी नहीं था कि आज उसी इदारे की 60 साल तकरीब में मैं मेहमान बन के आया हूँ और मैं इस 60 साल तकरीब का असद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और दिगर एडिटर और जो भी काम करते हैं उन सबको मुबारक देता हूँ। जो मोहब्बत और इनका जो इजहार है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद अफजल वारसी साहब बिल्कुल तैयार रहे, अगर वो है तो मेरी आवाज़ सुने। अफजल वारसी मोहम्मद इमरान सोलंकी साहब है, इनके लिए भी तालियां बजाएं। इसके बाद सैफुद्दीन मोहम्मद सैफुद्दीन, अगर वो है लेकिन वो हुरियत और इन इदारों से बहुत मोहब्बत रखते हैं, तालियां बजा दें। इनके बाद इमदाद गांगू, अगर वो हैं तो वो सामने तशरीफ लाएं।